Allow the flow of positive energy to enter into all aspects of your life. Stability into your relationships. Prosperity into your business. And peace into your home. Balance the five elements of nature. Follow the principles of Vastu Shastra. Visit divinevastu.net. Reva Kumar, your Vastu Shastra specialist. सही दिशा में जीने का जो टाइम है ना, वो अब से स्टार्ट हो जाता है. क्यों? क्योंकि हमारे साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट, बहुत ही प्यारे, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड एंड वेरी वेरी नॉलेजेबल रेवा कुमार. तो आज का ये जो मॉर्निंग है, इसको और भी ज्यादा खास बनाने के लिए आपके पास अगर कोई भी वास्तु रिलेटेड सवाल हो, यू कैन डेफिनेटली गिव अस अ कॉल. 5107701550 हमारा नंबर. एंड रेवा जी, वेलकम टू योर सेगमेंट कॉफी टाइम डिवाइन वास्तु. नमस्ते रिनी जी. हाँ बिल्कुल, गुड मॉर्निंग और हमारे सभी लिसनर्स, आपको भी प्यार भरा नमस्कार. रेवा जी, ये बताइए कि अभी ना मैं एक्चुअली एक साइकोलॉजिकल स्टडीज में पढ़ रही थी और वहाँ पे लिखा है कि आप ऑफिस में थोड़ा बहुत मेसी हो सकते हो, पर मेसी हो या ना हो, कभी कभी हम ना बहुत ज्यादा सफोकेटेड फील करते हैं, वो अपने मेस के लिए नहीं, पर पता नहीं हाउस में हो या फिर ऑफिस में हो, बहुत ज्यादा सफोकेशन होता है. तो क्या क्या इसका हल क्या है वास्तु से? रिनी, ये एक्चुअली तब होता है कि जब हम लोग आप अपने ऑफिस में बैठे हैं और आप अपने आप को एनर्जी नहीं फील कर रहे, सफोकेशन फील कर रहे हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, तो डेफिनेटली हमारी प्रॉपर्टी का, अगर घर है या बिजनेस है, आपका वर्क प्लेस है, तो जरूर चेक करिए आप अपना नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर. अगर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर साउथ ईस्ट के हिसाब से अगर हैवी होगा, एलिवेटेड होगा, तो आपको हमेशा स्ट्रेस लेकर आएगा. वहां पर आप अपने आप को अनइजी फील करेंगे, अपने आप को बैलेंस में नहीं रखेंगे, आपको ऐसे लगेगा कि जरूर आपके सबॉर्डिनेट्स कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं जिसे आप प्रॉपर कंसंट्रेट नहीं कर सकते. राइट. और रेडियो सुनने के लिसनर्स, आपको यही कहना चाहूंगी कि सबसे पहले ये तो है कि अगर आप अर्थ के साथ हार्मोनी पे रहना चाहते हैं तो डिवाइन वास्तु को जरूर अपनाइए. और अगर आप अभी के अभी कोई भी वास्तु रिलेटेड सवाल रेवा जी से पूछना चाहते हैं तो स्टूडियो लाइन्स आर ओपन फॉर यू. 5107701550 है हमारा नंबर. अगर आप रेवा जी के साथ एक पर्सनल अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते हैं, मुझे पता है कि रेवा जी अभी अभी एक अपॉइंटमेंट फिनिश करके शी इज कमिंग ऑन एयर जस्ट फॉर यू. तो अगर आप भी इनको अपने घर, अपने बिजनेस, अपने होटल, मोटल, रेस्टोरेंट पे लेके जाना चाहते हैं या फिर हॉस्पिटल में, बिकॉज आई नो अ लॉट ऑफ रेवाजीज क्लाइंट्स, दे आर डॉक्टर्स एंड दे आर वर्किंग इन हॉस्पिटल्स, तो नंबर नोट कर लीजिए 5108683338, या फिर आप उन्हें ईमेल भी कर सकते हैं divineavc@gmail.com. फिलहाल स्टूडियो लाइन्स आर ओपन. 5107701550 हमारा नंबर. रेवा जी, ये बताइए, कभी कभी ऐसा नहीं लगता है क्या कि सब जो है हमारे यहाँ पे, एवरीबडी इज अपोजिंग यू इन योर होम एंड ऑफिस? ऐसे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जिनको लगता है, मुझे नहीं लगता है वैसे, पर उनके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए अगर आप देखते हैं कि आपको अपोज कर रहे हैं, चाहे घर है, चाहे ऑफिस है, सबॉर्डिनेट है, या आपके अपने रिलेशनशिप में कह सकते हैं प्रॉब्लम्स हैं, कोई आपकी कहना नहीं मानता, तो ऑलवेज फोकस एट योर बैक. कहीं आपके पीछे कोई विंडो या डोर तो नहीं है, चाहे वो सोते वक्त, चाहे आप काम करते वक्त, जो आपको पावरलेस बना देता है, आपको स्टेबिलिटी नहीं देता. एंड नेक्स्ट वी हैव टू सी इन विच डायरेक्शन वी आर फेसिंग वाइल सिटिंग. इफ वी आर फेसिंग टुवर्ड्स द वेस्ट, तो वो आपको लगा समझ लीजिए कि आपकी जितनी भी एनर्जीज है उसको आपको खत्म कर देगा. और आप क्या नॉर्थ वेस्ट रूम को तो नहीं ऑक्यूपाई कर बैठे, जो आपको ड्यू टू एयर एलिमेंट आपको वहां पे स्टेबल नहीं होने देगा. और क्या होगा, जब नेचुरली आपको सब अपोज करेंगे तो आपको हार कर आप कहेंगे कि ठीक है, बेटर है मैं कोई और अपॉर्चुनिटी लूं या मैं किसी और जगह को, ऑप्शन को ढूंढने की कोशिश करूं. तो दिस इज द मेन रीजन वी हैव टू सी कि देयर शुड नॉट बी एनी विंडो और डोर बिहाइंड अस.
दैट इज सो वेरी ट्रू, और इसीलिए तो आप हमेशा जुड़ना चाहेंगे रीवा कुमार के साथ, जो कि एक अमेजिंग डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, शी हैज गॉट सो मेनी अवार्ड्स कि अभी तो मुझे पता नहीं कि रीवा जी यू रियली नीड टू यू नो गेट इन टू द बिगेस्ट होम पॉसिबल, क्योंकि इतने सारे अवार्ड्स है आपको रखना भी चाहिए। एंड ऑफकोर्स सभी के सभी बहुत ही एक वैल्यूएबल अवार्ड्स है। साथ ही साथ शी जस्ट मेट प्रेसिडेंट ओबामा, एंड हाउ कूल इज दैट, वो तो आप समझ ही सकते हैं। तो वेल, अगर आप भी रीवा जी से कोई भी वास्तु रिलेटेड सवाल पूछना चाहते हैं तो स्टूडियो लाइन्स आर ओपन फॉर यू, 5107701550 है हमारा नंबर। रीवा जी हमारे साथ रेणुका है एंड शी वॉन्ट्स टू आस्क यू अ क्वेश्चन। हेलो रेवा जी, मुझे आपसे ये पूछना था कि चाइनीज वास्तुशास्त्र और नॉर्मल वास्तुशास्त्र में क्या डिफरेंस है, लाइक वी पुट लाफिंग बुद्धा एंड द बोनसाई, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू। थैंक यू, यू वेलकम जी। जैसे कि रेणुका आपने पूछा कि चाइनीज वास्तुशास्त्र चाइनीज फेंगशुई को कहते हैं, और वास्तुशास्त्र वैसे तो वास्तुशास्त्र कहाँ का ओरिजिन है, इंडियन एंशियंट आर्किटेक्ट साइंस है डियर, जिसको आप कह सकते हैं कि प्री कंस्ट्रक्शन, और जो फेंगशुई है दैट इज द पोस्ट कंस्ट्रक्शन। अब क्या है कि जैसे हमारे लिए गणेशा है, हम गणेशा जी को बहुत ज्यादा मानते हैं, तो फेंगशुई के बीच में क्या है, उसी का उन्होंने सब्स्टिट्यूट लॉफिंग बुद्धा भी दिया हुआ है। लॉफिंग बुद्धा को रखेंगे, अगर आप और भी आगे चले जाइए तो कहीं पे हम देखते हैं कि ब्लेसिंग बुद्धा भी बैठे हुए हैं, तो एक दूसरे के साथ में ये सब्स्टिट्यूट है। फर्क ये है कि दैट इज द आउटर स्ट्रक्चर को लेके हमारा वास्तु स्टार्ट होता है, प्री कंस्ट्रक्शन से ही हम देखते हैं लॉट कहाँ है किधर है, लेकिन जो फेंगशुई है वास्तु, जिसको चाइनीज वास्तु आप कह रही है फेंगशुई को, वो इंटीरियर से ज्यादा रिलेटेड है, वो आउटर स्ट्रक्चर की तरफ फोकस नहीं देते, वो सिर्फ इंटीरियर को देखते हैं कि हम कैसे बैलेंस करें। तो वी आर टेकिंग द हेल्प फ्रॉम द इंटीरियर ऑल्सो, लेकिन मेन आउटर स्ट्रक्चर के लिए जिसको हम कह सकते हैं वास्तु है, दैट इज अ हिडन वास्तु भी हमारे को मिलता है, कई तरह का वास्तु होता है। तो आप ये कह सकती हैं कि इंटीरियर के लिए अगर हम हेल्प लेते हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है। सेम ही चीज है, आपने बेल्स, हम कहते हैं कि पूजा कर रहे हैं, अगर आप घंटी बजाते हैं ताकि सेंस को ले सके, एयर एलिमेंट को और भी एनर्जाइज कर सके, उसी तरह ये लोग क्या करते हैं कि छोटी छोटी बेल्स के क्वाइंस हैं वो आपके एंट्रेंस डोर पे लगा देते हैं ताकि वाइल्ड ओपनिंग द डोर उसकी आवाज आए, आपको साउंड सुनाई दे, सेंस मिले। तो आप दोनों की ले सकते हैं, लेकिन वास्तु आपका बाहर से लेके आउटर से स्ट्रक्चर से लेके प्री कंस्ट्रक्शन से लेके एंड तक आपके घर की एनर्जी को बैलेंस करता है। थैंक यू सो मच रीवा जी, और यू नो लिसनर्स आप भी हमें कॉल कर सकते हैं यहाँ पे, 5107701550 है हमारा नंबर, एंड यू आर लिसनिंग टू रेवा कुमार द डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट। यू नो यही कहना चाहूंगी लिसनर्स आपको कि कभी कभी अगर आपको भी लगता है दैट यू आर सफोकेटेड इन योर हाउस और ऑफिस, अगर आपको लगता है कि आप जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं पर कुछ तो है जो आपको पीछे रोक के रखा है, अगर आपको लगता है कि काफी सारे लोग आपके ऑपोजिट में हैं एंड दे आर ऑपोजिंग यू, यू नो होम टू गो ऑफ कोर्स, डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार। रेवा जी एक कॉलर है हमारे साथ, ओके लिटिल बिट ऑफ पेशेंस जरूरी है, 5107701550 रेवा जी लेते हैं अगले कॉलर को। हेलो यू ऑन एयर विथ रेवा कुमार। हाय रेवा जी, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि हम घर का सही डायरेक्शन कैसे देख सकते हैं, या तो घर के मेन डोर पे कॉम्पस रख के देखें या फिर घर के सेंटर में, सही डायरेक्शन किचन का बेडरूम का कैसे पता लगता है। आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया, घर का सही एंट्रेंस हमारे को दोनों ही तरीके से देखना है। मेन एंट्रेंस डोर से अगर आप अपने कंपास को जमीन पे रखेंगे एंट्रेंस डोर पे एंड यू आर लुकिंग आउटसाइड, तो आपको सही पता चल पाएगा कि आपका घर किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है। कई बार ऐसा होता है कि आपके घर का फ्रंट है, सपोज कर लीजिए इट इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, लेकिन एंट्रेंस डोर कई बार राइट साइड में भी हो सकता है, लेफ्ट में भी हो जाता है, वो आपको बताता है कि ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ है या नॉर्थ वेस्ट की तरफ है। उसके लिए आपको क्या करना है कि आप अपने घर के जब सेंटर में खड़े हो जाएंगे और सामने की तरफ फेस कर रही हैं, तो आप अपने घर को प्रॉपर डिवाइड कर पाएंगे 4 से 8 डायरेक्शंस में, जहां पता चल जाएगा कि बाकी रूम की प्लेसमेंट कहां पर है, कि नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है या साउथ ईस्ट में आ रहा है। तो यू हैव टू चेक इन बोथ द वेज,
फ्रंट एंट्रेंस से भी चेक जरूर कीजिए और सेंटर से कीजिए। और इतना मैं जरूर बताना चाहूंगी, जब आप चेक करें तो आप डिग्रीज को जरूर नोट कीजिए, क्योंकि जब आप हमसे सवाल करते हैं आप उसकी अगर डिग्री देंगे तो आपको सही बता पाऊंगी कि आप नॉर्थ ईस्ट को है आपका घर या नॉर्थ वेस्ट को है। सिंपली अगर लोग ये देख लेते हैं कि जी नॉर्थ है लेकिन वो डिग्री नहीं नोट करते, डिग्री को नोट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि 10 डिग्री के बाद में ही आपकी उसका एलिमेंट चेंज होना शुरू हो जाता है। तो डिग्री की तरफ भी ध्यान दीजिए, उसकी तरह से आप सही सही जान पाएंगे कि किस डायरेक्शन को आपका घर फेस कर रहा है। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल रीवा जी। हमारे साथ प्रियंका जुड़ चुकी है। प्रियंका, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। या हाय, नमस्ते रीवा जी। नमस्कार जी। या मैं ये जानना चाहती हूँ, मेरा हाउस साउथ वेस्ट फेसिंग है और अगर मैं घर चेंज नहीं कर पाती या कुछ और नहीं कर पाती तो क्या आप क्या सजेस्ट करेंगी कि ऐसे कुछ पूजाएं ऐसे होती हैं जिससे मैं मेरे मन को शांति आए कि अभी ले तो लिया है घर और हमेशा ये चिंता होती है कि साउथ वेस्ट है साउथ वेस्ट है। प्रियंका, सबसे पहले आप अपने मन की किसी भी शंकाओं को, अपने डर को, अपने फियर को दूर कर दीजिए। ये सही बात है कि अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल साउथ वेस्ट फेसिंग हाउस इज नॉट गुड, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है। आज डिवाइन वास्तु की यही स्पेशलिटी है कि बिना तोड़ फोड़ के आपके घर को पॉजिटिव रिजल्ट देने। नाउ वी हैव प्रिपेयर, हमने एक कस्टमाइज एनर्जाइज एक फॉर्च्यून गेट बनाया, दिस इज ए सिंपल अ प्लेट जिसको प्रॉपर कस्टमाइज एनर्जाइज किया है कि अगर वो साउथ फेसिंग घर है, साउथ वेस्ट फेसिंग घर है, आप उसी एंट्रेंस को यूज करिए, लेकिन आपके घर के नॉर्थ डायरेक्शन के ऊपर में प्रॉपर उस प्लेट को लगा दिया जाता है एनर्जाइज करके कि कमांड दे दी जाती है कि यहाँ से हमारे को पॉजिटिव एनर्जी चाहिए। उस समय आप उसके साउथ वेस्ट के सारे डिफेक्ट को, उसकी जितनी भी प्रॉब्लम है उसको प्रॉपर खत्म कर सकते हैं। सो देयर इज नथिंग टू वरी, बी कूल, अपने आप पे अपने विश्वास रखिए, अपने भगवान पे रखिए, लेकिन आपको ये मैं जरूर बनाऊंगी, पूजा करिए, बहुत अच्छी बात है, पूजा करनी चाहिए, लेकिन उसके साथ में अगर आप किसी भी इस डिवाइन टेक्निक को लगाते हैं तो आई एम वेरी मच श्योर कि भगवान के आशीर्वाद से आपकी इस प्रॉब्लम से आप बाहर आ जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल प्रियंका। और लेते हैं सोनल की कॉल। हेलो योर नेम विद रेवा कुमार। हेलो रेवा जी, मेरा नाम सोनल है। नमस्कार जी सोनल जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई घर स्लोप पे हो तो उसके लिए कोई रेमेडी है क्या? फॉर एग्जांपल, एक घर में हम लोग इंटरेस्टेड है लेकिन वो घर ईस्ट फेसिंग है और वो जो घर जिस स्लोप पे है वो स्लोप नॉर्थ टू वेस्ट, सॉरी नॉर्थ टू साउथ जा रहा है, लेकिन वो स्लोप पे और चार घर उसमें से सेकेंड वाला घर है जो हम देख रहे हैं, तो पहला घर है वो थोड़ा हाइट पे है, उसके नीचे सेकंड नंबर वाला घर है, उसके नीचे आगे दो घर है, तो अगर हम वो सेकंड नंबर वाला घर, हाँ सॉरी रेवा जी, ठीक है, ठीक है, बोलिए बोलिए आप बोले। अब मैं ये कह रही हूँ अगर आप सेकंड नंबर वाला लेना चाहते हैं, हाँ, तो पहला घर थोड़ा ऊपर है और आगे के तीन घर जो है वो सेकंड नंबर के घर से थोड़े नीचे है स्लोप की वजह से, और स्लोप जो जा रहा है वो नॉर्थ टू साउथ जा रहा है और घर ईस्ट फेसिंग है। देखिए, ऐसा है कि घर साउथ ईस्ट नहीं हो, ईस्ट है, वो देखिए। दूसरी चीज कि जो आप बता रहे हैं कि स्लोप है, वैसे सही बात है कि स्लोप इसका गलत डायरेक्शन की तरफ जाता है, नॉर्थ टू साउथ है, मींस कि एनर्जी आते ही सब कुछ ड्रेन हो जाएगी, लेकिन यही महफल, जैसे कि भी हमारे प्रीवियस कॉलर भी बात कर रहे थे डायरेक्शन के लिए, वी आर हैविंग अ डिवाइन टेक्निक्स विद अस जिसको प्रॉपर कमांड करके दिया जाता है। अभी मैं अपनी एक खास क्लाइंट के विजिट करके आई हूँ, तो जहाँ पर आप उन प्रॉपर उन पिरामिड्स को अगर आप डिग करके कर देंगे कमांड के साथ में, तो उसकी एलिवेशन को, साउथ की एलिवेशन को हम बढ़ा दिया जाता है ताकि कोई तोड़फोड़ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, वहां की नेगेटिविटी खत्म करके उसको कमांड दी जाती है कि इस प्रॉपर एरिया को, साउथ को एलिवेट करके नॉर्थ को डाउन कर दिया जाए। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड, आपको अगर अच्छी डील मिल रही है तो जरूर जाइए, लेकिन ऐसा कोई मन में शंका ना रखिए, डर नहीं रखिए। डेफिनेटली इफ यू वॉन्ट यू कैन रेक्टिफाई दिस वास्तु दोष विद दी हेल्प ऑफ डिवाइन टेक्निक। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। लेते हैं अगले कॉलर को। राज है हमारे साथ। राज, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। हाय रेवा जी, दिस इज राज, एंड मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ऑफिस में कुछ टेंशन और स्ट्रेस ज्यादा चल रहा हो, आप उसके बारे में कुछ बात कर रही थी, तो कुछ उसका उपाय बता सकती हैं?
जी बिल्कुल मैं बता सकती हूँ। पहले तो उसके लिए राज्य जरूर हमें देखना होगा कि अगर क्या हमारी ग्रोथ की स्टेगनेंट के प्रॉब्लम हो रही है या हमारे को अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ ऑफिस में प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए डायरेक्शंस को चेंज करना बहुत जरूरी होता है। आपका टेबल को चेंज करने का डायरेक्शन जरूर करें। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो बेस्ट यही होगा कि अगर आप मुझे शो के बाद कॉल करिए ताकि मैं प्रॉपरली डिस्कस कर सकूं कि किस डायरेक्शन में आप फेस कर रहे हैं, उसी के हिसाब से मैं आपको रेमेडीज दूंगी। प्लस अगर आप चाहें तो हमारे से डिवाइन कार्ड भी ले सकते हैं जिसको आप अपनी जेब में रखें, अपनी पॉकेट में रखे हैं, अपने ब्रीफ केस में रखिए टू गेट द हार्मनी एट योर वर्क प्लेस। अच्छा ओके थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल राज। और सभी लिसनर्स को यही कहना चाहूंगी कि ऑफकोर्स आप हमें अभी के अभी कॉल करके रीवा जी से बात तो कर ही सकते हैं 5107701550 पर। अगर आप एक पर्सनल अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते हैं रेवा कुमार के साथ तो नंबर है 5108683338 या फिर आप उन्हें ईमेल करें divineavc@gmail.com। साथ ही साथ आप जरूर चेक करें द वंडरफुल वेबसाइट divinevastu.net। और यही कहना चाहूंगी कि डिवाइन वास्तु ये जो टूल है ना, द बेस्ट थिंग अबाउट डिवाइन वास्तु जो मैंने हमेशा से रेवा जी से ही जाना है वो ये है कि आपको अपना घर डिमोलिश नहीं करना होगा, आपको ज्यादा रिनोवेशन करने का जरूरत नहीं। यू कैन डेफिनेटली बाय सम Divine Vastu tools and you can change the energy content in your house and in your life. Reva ji, lete agle caller ko. Hello, you're on air with Reva Kumar. Hi. I was wanting to find out, I have an apartment in Masad and you know, I've never been able to rent it through the year. There's always problems coming up in the place, and right now I have had the place for rent for 6 months, one of the units. I just needed to know what could be the problem. Again, it depends on the direction, in which direction it is facing. You know, I really never did pay attention to it. You please because just each unit is, the doors are facing each other, you know. It's. That's what I'm saying. It's better if you find out which direction your apartment is facing. Then it will be very easy for me to give you the advice to rectify this problem. Oh, okay. And what is the, which way is supposed to be? Yeah, this is what I'm saying. You have to see the which direction it is facing. Otherwise, I think, according to you, the problem you're saying, it must be facing towards the northwest direction. And another unit is also facing towards each other. That always brings lots of problems, and the next it is also. So this is one, the main one of the apartments in the front is facing each other, and the other one is facing, I'm pretty sure it's facing south. Yeah, this is what I'm saying. So you do one thing, you can just draw a plan or scan it and send it to me, email it to me. Let me go through properly, then after that I will give you the advice. Okay, thank you. थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। और लेते हैं शैलेश का कॉल। हेलो शैलेश, यू आर ऑन एयर, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। यस रेवा जी, मुझे एक पूछना था क्वेश्चन कि जो घर का डायरेक्शन यानी कैसे देखा जाता है, यानी एंट्रेंस का समझो एंट्रेंस इज फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ और वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट सपोज, तो जैसे अंदर आने का जो होता है वो नॉर्थ, उसका डायरेक्शन तो डिफरेंट होता है ना। फॉर एग्जांपल अगर नॉर्थ में फेसिंग डोर होगा तो अंदर आने का जो एनर्जी है तो वो साउथ से आएगा ना, इट विल बी फेसिंग साउथ। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। पहले तो आपको देखना है कि विच डायरेक्शन योर हाउस इज फेसिंग, मीन्स कि वी हैव टू गेट द एनर्जी फ्रॉम द आउटसाइड टू इनसाइड। आपको ये नहीं देखना है कि इफ यू आर एंटरिंग इनसाइड, तो जो आपको बाहर से एनर्जी आ रही है, इफ यू आर फेसिंग हाउस इज फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ, नाउ यू आर गोइंग इनसाइड, इट मीन्स द एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम नॉर्थ टू द साउथ। ओके यू गॉट इट, यू हैव टू चेक योर हाउस। यस यस, एक्चुअली क्योंकि मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा था क्योंकि मैं दूसरा घर ढूंढ रहा हूँ अभी, तो आई वॉज ट्राइंग टू लुक एट पोजिशन, यू नो हाउ द एंट्रेंस वुड बी एंड।
किसी को अटेम्प्ट तो, उसके लिए एक तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ से देखें कि कौन सा डायरेक्शन फेवरेबल है, या आप साथ ही साथ जर्नल अगर लेते हैं नॉर्थ ईस्ट फेसिंग हर्ट, नॉर्थ और ईस्ट फेसिंग हर्ट बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर अंदर नॉर्थ फेसिंग नॉर्थ ईस्ट फेसिंग घर आपने ले लिया, आप लोग सोचते हैं कि नहीं मैंने तो रेवा जी ने बोला नॉर्थ फेसिंग घर हमने ले लिया, पर अगर घर के अंदर आने के बाद में किचन अगर नॉर्थ ईस्ट में है या बेडरूम नॉर्थ ईस्ट में है तो यही नॉर्थ फेसिंग घर आपको नुकसान देता है। अच्छा अच्छा, तो हमको और सारी ये बर्थ डेट के ऊपर आपने बताया वो, यानी मेरा अगर समझो डेट ऑफ बर्थ दिसंबर 18 1948 होगा तो उससे उसका इसके हिसाब से कुछ डिफरेंट होता है? 18 हाँ, अगर आपका दिसंबर 1984 बता रहे हैं, 1948 अकॉर्डिंग टू दिस अगर आप अपना डेट ऑफ बर्थ लेते हैं तो आपको नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट फेसिंग का सूट करता है। अच्छा अच्छा, ओके, थैंक यू वेरी मच रेवा जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग शैलेश। और आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, 5107701550 है हमारा नंबर, एंड यू आर टॉकिंग टू द फेमस डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार, जिनके पास जाने से या फिर जिनको अपने घर में लेके जाने से वैसे ही आपके जिंदगी में बहुत ज्यादा खुशी आ जाती है, बिकॉज शी कैन एक्चुअली सेंस द डिवाइन वास्तु, और इसीलिए तो शी इज सो फेमस, शी हैज गॉट सो मेनी अवार्ड्स, और साथ ही साथ सबसे यू नो जो अहम अवार्ड है इनके लिए वो है आपका प्यार, बिकॉज कभी भी अगर रेवा जी कोई भी क्लाइंट विजिट में जाते हैं तो यू नो आफ्टर दैट क्या होता है, ऑफ कोर्स वो आपके दिल में भी बस जाती है ना रेवा जी। आप सबका प्यार है, हमारे सभी लिसनर्स का प्यार है। हाँ, कोशिश मेरी क्या यही होती है कि जो भी मैंने अपनी जिंदगी के 28 सालों में पढ़ा है, एक्सपीरियंस है, रिसर्च है, साइंस है, उसकी वजह से जो भी मैंने सीखा वो मैं आप सबसे शेयर करूं। एंड दैट वाज द रीजन वेयर आई वाज सेइंग कि आई वाज स्पेशल इनवाइटेड एंड ऑनर्ड बाय प्रेसिडेंट ओबामा ऑल्सो, एंड वी डिस्कस अबाउट दिस, हमारी काफी देर उनसे बात हुई अबाउट दिस वास्तु साइंस, एंड यू वॉज सो हैप्पी एंड कुछ जो चीजें मैंने उनके साथ में किया मैंने अभी रिसेंटली भेजी भी है उनको वॉट एवर, क्योंकि ऑलरेडी मेरा रिसर्च चल रहा था, वेरी शॉर्टली आई एम गोइंग टू गेट इट डॉक्टरेट के लिए, तो उसके लिए भी मेरी काफी देर उनसे बात हुई कि क्या स्टडीज है ये, जिसको उन्होंने बहुत ही ध्यान से भी समझा और सुना, एंड ही अप्रिशिएटेड इट। तो दिस इज वॉट आई एम सेइंग कि दिस इज अ साइंस, ये साइंस है, दिस इज नॉट ए कि कोई मिथ या कोई आप कह सकते हैं कि अंधविश्वास है, नहीं है, क्योंकि इसमें करेक्टर्स हैं साइंस के। और रिनी, हम साइंस किसको कहते हैं, जो रेशनल होती है, जिसके लिए बेस्ड होता है, इट बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट, दिस इज वॉट इन वी आर गेटिंग इन द वास्तु ऑल्सो, दिस इज ए प्रैक्टिकेबल ऑल्सो, जिसको आप कह सकते हैं कि कैपेबल ऑफ बींग पुट इन टू प्रैक्टिस, परमानेंट है, इट इज नॉट बाउंड बाय द एनी बैरियर्स ऑफ टाइम, इट इज नॉर्मेटिव है, विच इज गवर्न्ड बाय द प्रिंसिपल, दिस इज यूटिलिटेरियन फॉर ईच एंड एवरी पर्सन, फॉर द होल यूनिवर्सल, इट इज यूजफुल टू द सोसाइटी ऑल्सो, जिसको हर कोई एक्सेप्ट करता है। तो इसलिए दिस इज ए, इसमें कह सकते हैं कि आपके सारे करेक्टर्स हैं साइंस से, इसको साइंस की तरह आप 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करते हैं तो जिंदगी में आपको किसी चीज की कमी नहीं रहती। जी हाँ, जरूरत है आपको सही जानने की कि क्या वो एलिमेंट्स हमारे पास सही आ रहे हैं कि नहीं, कहीं वो एक्सेस तो नहीं है। एनर्जी शिफ्ट आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, विदाउट डूइंग एनी रेनोवेशन या रिमॉडलिंग, दैट इज सो ट्रू, और इसीलिए तो डिवाइन वास्तु एक्चुअली यू नो मेक्स यू टू लिव इन हार्मोनी विद द अर्थ, और अगर हम यहां पे रहते हैं यूनिवर्स में तो हार्मोनी तो बना के रखना चाहिए, राइट? इसीलिए तो आप सुनते हैं रेवा कुमार को, और आप हमेशा ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूनिवर्सल, आप कहीं पे भी चले जाइए, ये 5 एलिमेंट्स की जरूरत है, चाहे आप चंद्रमा पे स्पेस पे भी चले जाइए, वी नीड दिस 5 एलिमेंट्स, दैट्स वेरी ट्रू। रेवा जी हमारे साथ एक कॉलर है, लेते हैं अगले कॉलर को। हेलो, यू आर ऑन एयर विद रेवा कुमार। हाय रेवा जी, नमस्कार, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ रिगार्डिंग माय ट्रैवल टू वर्क। सो आई ट्रैवल फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, so will that be beneficial for my job and promotion? सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आप ट्रैवल करते हैं, बहुत अच्छी बात है, दैट्स वेरी गुड, ईस्ट टू वेस्ट ट्रैवल करिए, वो भी अच्छा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आपको ये देखिए कि क्या अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ आप किस एलिमेंट से रिलेटेड हैं, उस एलिमेंट की किस जगह में, किस जगह प्रॉब्लम जगह से वो फोकस करता है जिससे आप एनर्जी ले सकते हैं। अगर ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा है तो माई भी कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका बेडरूम ही नॉर्थ वेस्ट में हो, लेकिन इफ यू आर इंजॉइंग द ट्रैवलिंग, इफ यू आर गेटिंग गुड सोर्स, अच्छा है, अच्छा इनकम मिलता है, अच्छा अपॉर्चुनिटीज मिलता है, तो देन इट्स नॉट बैड। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि ट्रैवलिंग हमारे को अपने पर्सनल रिलेशनशिप में या हमें स्टेबिलिटी नहीं दे रही है, तो फिर जरूर आप नॉर्थ वेस्ट की तरफ ध्यान दीजिए, अदरवाइज ईस्ट टू वेस्ट इज ऑलवेज द बेस्ट। मेरा डेट ऑफ बर्थ April 15, 1976 है, तो कौन सा फेवरेबल है? आपका April 15, 1976 है। April 15, 1976 वालों के लिए फेवरेबल पड़ता है नॉर्थ फेसिंग और वेस्ट फेसिंग, दिस इज गुड। ईस्ट टू वेस्ट आप ट्रेवल कर रहे हैं वैसे ही अच्छा है, वेस्ट फेसिंग और नॉर्थ फेसिंग हाउस या जगह आपको हमेशा सूट करेगी, फायदा ही फायदा देगी आपको। थैंक यू सो मच। लेते हैं आज के आखिरी कॉलर को, मनमोहन जी, यू आर ऑन एयर, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। Good morning, Reva ji. My date of birth is April 28, 1973. In which direction is a favorable direction for me? आपकी आवाज ब्रेक कर रही है मनमोहन जी, प्लीज आप एक बार दोबारा बताएंगे आपका सवाल, डेट ऑफ बर्थ? Yeah, my date of birth is April 28, 1973. April 28th है आपके लिए भी, जो फेवरेबल डायरेक्शन है दैट इज ऑल्सो द नॉर्थ एंड द वेस्ट, नॉर्थ हाउस फेसिंग हाउस और द वेस्ट फेसिंग हाउस विल बी वेरी फेवरेबल फॉर यू। माइन इज नॉर्थ ईस्ट बेसिकली, सो इट्स नॉर्थ है नॉर्थ, देखिए नॉर्थ अगर नॉर्थ ईस्ट को टच करता है तो आप नॉर्थ की तरफ में जरूर मिरर लगा के एनर्जी को लीजिए, आप और भी फायदा लेंगे, नॉर्थ ईस्ट है दैट्स गुड, लेकिन नॉर्थ को और भी इन्हेंस करें, नॉर्थ आपको फायदा देगा, नॉर्थ को नीट एंड क्लीन रखिए, नॉर्थ की तरफ में अगर आप अंदर की तरफ में मिरर लगाएंगे ये आपको बहुत फायदा देगा, मींस इट इज नॉर्थ ईस्ट फेस, आप घर के अंदर कर रहे हैं एंट्रेंस तो आपकी राइट साइड वाली नॉर्थ की वॉल है, वहां पे लगाइए, नॉर्थ वेस्ट वॉल पे नहीं, नॉर्थ की वॉल पे आप मिरर लगा दीजिए, आपको मनमोहन जी और फायदा करेगा जी। थैंक यू सो मच मनमोहन जी, और आपके जैसे और बहुत सारे जो लिसनर हैं सभी को यही कहना चाहूंगी कि अगर आप रीवा जी के साथ एक पर्सनल अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहे तो ऑफकोर्स 5108683338 है हमारा नंबर रीवा जी से बात करने के लिए, रीवा जी से एक अपॉइंटमेंट फिक्स करने के लिए। अगर आप उनसे ईमेल करना चाहते हैं तो ईमेल आईडी है divineavc@gmail.com, और अगर आप रीवा कुमार के बारे में, डिवाइन वास्तु के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो जरूर चेकआउट करें divinevastu.net। वेल रेवा जी, ज्यादा टाइम तो नहीं है पर जाते जाते एक सवाल जो बहुत ही अहम सवाल है सभी के लिए पूछना चाहूंगी, और वो ये है कि आप हमेशा यही कहती है कि डिवाइन वास्तु या फिर वास्तु इज अ साइंस, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन साइंस एंड वास्तु? दिस इज वॉट आई एम सीइंग, अभी हम यही डिस्कस कर रहे थे, दिस इज द साइंस ऑफ वास्तु। में देखिए आज से 5000 से भी ज्यादा साल पुरानी इसके ऊपर में स्टडीज की गई, जो स्टडीज के ऊपर में साइंस वही है कि जिसके ऊपर में रिसर्च की जाए, और वही कर करके आज एक नहीं जिन लोगों ने भी इसके ऊपर में वास्तु एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, दे डिड रिसर्च। साइंस यही होती है कि जिसके ऊपर में हम लोग रिसर्च करते हैं, जो प्रैक्टिकेबल होती है, परमानेंट होती है, रैशनल होती है, जिसके नीचे कोई कॉज होता है या इफेक्ट होता है, दिस इज व्हाट द वास्तु इज देयर। वास्तु को तभी साइंस किया जाता है क्योंकि इसके साथ में कॉज है, इसके इफेक्ट हैं। अगर यही कॉज है कि इसके 5 एलिमेंट से रिलेटेड है, इफेक्ट क्या है कि अगर 5 एलिमेंट हमारे इम्बेलेंस हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे तो हमारे साथ में प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। और साइंस इज ऑलवेज, आपको जैसे अभी मैं बता रही थी, इट इज यूटिलिटेरियन, जिसको सबको फायदा देती है, एंड गवर्न बाय द प्रिंसिपल्स, दिस इज वास्तु। वास्तु इज टोटली गवर्न बाय द प्रिंसिपल्स, जो इसके प्रॉपर प्रिंसिपल्स है, जिसको हम आपको कहते हैं कि आप फॉलो अप करिए। जस्ट लाइक ए देर वास्तु इज जस्ट लाइक ए पॉट, इफ देर आर 6 होल्स वी हैव टू फिक्स ऑल द 6 होल्स,
इसके प्रिंसिपल्स हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि मैंने 5 होल बंद कर दिए, नहीं रेवा जी मैं तो सर नॉर्थ की तरफ ही करके सो सकती हूँ, चाहे आपने सारी रेमेडीज कर ली, तो याद रखिए आप नॉर्थ की तरफ सर करके सो रही हैं तो भी आपको उसका कहीं ना कहीं गलत असर मिलेगा। डेफिनेटली रेवा जी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, पर आज के लिए तो बस इतना ही टाइम था, पर सबको याद दिलाना चाहूंगी कि Thursday, definitely come and enter into the divine world of Vastu and Astronumerology with Ritesh Kumar and Reva Kumar. Or next Wednesday, फिर से आपके साथ जुड़ने वाली है Reva Kumar, लेके आएंगी Coffee Time Vastu. Thank you so much, Reva ji, for your time. Thank you, Rini. Thank you, listeners. तो ये थे हमारे साथ रेवा कुमार, और आज के लिए बस इतना ही. जाते जाते यही कहना चाहूंगी कि छोटी सी जिंदगी है, हंस के. Harmonize your life with the principles of Vastu Shastra and make every moment of your life a celebration. With Vastu, life becomes an utsav. Visit divinevastu.net. Dr. Reva Kumar, your Vastu specialist.